अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रूहानी वज़ाइफ टीचर की जानिब से खुश आमदीद। मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे नबी की उम्मत को अल्लाह ताला हर वबा और हर बीमारी से महफूज रखे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो दुआ लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैनी के वक्त पढ़ा करते थे। सैयदीना अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ब के वक्त ये दुआ करते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाती व रब्बुल अर्ज़ व रब्बुल अर्शिल करीम। अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, अजमत वाला बुर्दबार है। अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, अर्श अज़ीम का रब है। अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, आसमानों का रब है और ज़मीन का रब है, अर्श करीम का रब है। तो नाज़रीन, आपने बेचैनी के वक्त जब भी आपको कोई परेशानी लाहक हो, कोई भी टेंशन घबराहट हो, फौरन आप ये दुआ पढ़ लें। चाहे तो एक बार पढ़ें या तीन बार पढ़ लें, इंशाल्लाह ताला वो बेचैनी, वो घबराहट आपकी ख़त्म हो जाएगी। रूहानी वज़ाइफ़ टीचर को इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के बाद।